अस्सलामुअलैकुम, निशा रसोई में आपका स्वागत है। आज लाई हूँ मैं खिचड़े की रेसिपी। यह है 300 ग्राम खिचड़े के घेऊं, ये 50 ग्राम चौलाई, ये 50 ग्राम चने की दाल, ये 50 ग्राम जौ, ये 50 ग्राम तुअर की दाल, ये 50 ग्राम मूंग की दाल, ये 50 ग्राम मसूर की दाल और एक मुट्ठी चावल। अब हम सारे को पानी में भिगा के रात भर के लिए छोड़ देंगे, फिर सुबह में मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, निशा रसोई में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको ये खिचड़े का भिगा के दिखाई थी। अब मैं इसको हल्दी पाउडर डाल के एक चम्मच 4 से 5 सीटी ले लूँगी। और ये है मेरे सारे मसाले। ये है 500 ग्राम नॉनवेज, ये है 5 टमाटर, ये 4 पीस अदरक लहसुन का, ये 12 हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी हरी मिर्ची का, कांदा 6, एवरेस्ट मसाला, सूखे मसाले में है हल्दी पाउडर 3 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक, गरम मसाला ये मेरे घर का है, और ये 2 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब मैं ये गलने रख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको सारी रेसिपी बताऊँ। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। मेरा मसाला अब मैं गैस ऑन कर दी। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 5 चम्मच मैंने ऑयल गरम होने छोड़ दी। इसके बाद मैं इसमें कांदा डाल के फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें प्याज को फ्राई कर लूँगी और इसका मटन में आधा छोड़ दूँगी और ब्रिस्टा बनाऊँगी। मेरा खिचड़ा हो चुका है। अब मैं इसको घोटूंगी और ये फर्स्ट क्लास गल चुका है। प्याज भी हो गई है और मैंने ये ब्रिस्टा निकाल ली हूँ। और ये पानी गरम करके रखना है एक तपेलिया, ताकि जो भी पानी डाले तो गरम डाले, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, शाहजीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, सारे। मेरी प्याज ऐसी हो चुकी है। अब मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। मटन डालने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन, डाल के ये जो मैंने बताई थी ना आपको हरा मसाले का पेस्ट, वो है सारे सूखे मसाले। टमाटर, डाल के अब मैं भून लूंगी।
देखो ये मेरा घोट के हो चुका है, बस जो भी है इसी में मेहनत है। मैं इसमें सारे मसाले मिला रही हूँ। मटन में नमक डाली थी, अब मैं खिचड़े में नमक डालूंगी। मैं चख के देख ली, नमक बहुत कम है। अब इसमें मैं हरी मिर्ची, मटन मसाला एवरेस्ट का, डाल के कोथमीर पुदीना तली हुई प्याज। गैस पर एक 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ऐसा कंप्लीट हो चुका है, अब 10 मिनट पकने के बाद मैं आपको बता। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है मटन खिचड़ा। मटन रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। लाइक करो और फॉलो करो।